नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। आज हम सुलगते सवाल में बात करेंगे इस्लामोफोबिया की। हम बात करेंगे धर्म के नाम पर अधर्म करने वालों की। हम बात करेंगे उस हमास की जिसे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है और जो ये मानता है कि इसराइल का पूरा इलाका गाजा और वेस्ट बैंक ये सब फिलिस्तीन का ही है और फिलिस्तीन को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन इस युद्ध ने दुनिया भर में अलग ही नाराजगी को जन्म दे दिया है, जिसका असर देखने को मिला अमेरिका के इलिनॉय में, जहां एक फिलिस्तीनी परिवार पर हमला किया गया और एक 6 साल के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया। आरोप तो ये लग रहा है कि हमास और इसराइल युद्ध की वजह से इस्लाम और इस्लामिक आस्था वाले लोगों से नाराज 71 साल के एक आदमी ने उन पर हमला किया था और 6 साल के बच्चे को 26 बार, फिर से सुनिए आप क्या हो रहा है युद्ध के माहौल में, 26 बार एक मासूम बच्चे को चाकू मारे गए हैं, वो भी महज 6 साल के। उसकी मां को भी घायल कर दिया गया, बच्चे की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस हमले पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट किया और कहा कि मैं और जिल बच्चे की क्रूरता से की गई हत्या और इसकी मां को मारने की कोशिश की घटना से परेशान है और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। एक फिलिस्तीनी मुस्लिम परिवार के साथ ऐसी नफरत के खिलाफ अमेरिका है, हम भी ऐसी सोच ऐसी नफरत के खिलाफ है। लेकिन सवाल उठता है कि इस्लामोफोबिया आया कहां से है? सवाल ये भी उठता है कि आतंक को मजहब से जोड़ा किसने? सवाल तो ये भी है कि धर्म के नाम पर जो अधर्म करते हैं उसे बढ़ावा आखिर मिलता कहां से है? इसी पर आज जो होंगे सुलगते सवाल। मेहमान हमारे साथ इस वक्त कौन कौन है, सबसे पहले उनका परिचय करवा दूं, फिर मैं सवालों की फहरिस्त सबके सामने रखूंगी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद रक्षा विशेषज्ञ हैं मेरे साथ। कर्नल शैलेंद्र सिंह कुछ ही देर में मेरे साथ होंगे, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक। निखत अब्बास बीजेपी से, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले विनोद सर आपके पास आती हूँ। विनोद दत्ता सर, मुझे आपसे ये समझना है, जो बाइडेन की 2 बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन है उसके मायने क्या निकल रहे हैं? अगर मैं ग्लोबली इसको समझना चाहूँ कि इस्लामोफोबिया, जिसका वक्त वक्त पे अपनी सहूलियत के हिसाब से अलग अलग परिभाषाएं गढ़ी गई हैं, एक 6 साल के मासूम बच्चे की मौत होती है, उसके बाद वो कहते हैं कि इस्लामोफोबिया को खत्म करना होगा, ये मामला किस तरीके से आगे बढ़ रहा है? देखिए, पूरा विश्व जानता है कि सबसे ज्यादा खामियाजा अगर दहशत गर्दी का किसी समुदाय ने या किसी रिलीजन ने फेस किया है तो वो खुद इस्लाम है। और इस्लाम एक बहुत ही मुकद्दस और बहुत ही पाक रिलीजन है, जो कभी ये नहीं सिखाता कि आप इस तरह से बर्बरता से पेश आए, चाहे वो महिलाएं हों चाहे बच्चे। जिस तरह से बच्चों को के साथ दरिंदगी की गई है, जिस तरह से महिलाओं के साथ दरिंदगी की गई है, कोई भी धर्म चाहे वो किसी भी समुदाय से रिलेटेड हो, ये इजाजत नहीं देता। और आज देखिए, जो देश हमास का समर्थन कर रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या वो अपने देश में इस तरह की बर्बरता अपने जो नागरिक है उनके साथ बर्दाश्त करेंगे? क्या वो इस तरह की जो हैवानियत है उसको बर्दाश्त करेंगे? उनका आंसर होगा नो। तो पूरे समस्त विश्व को अब ये चाहिए कि वो सब इकट्ठे होके इस बर्बरता के प्रति लड़े। किसी विशेष समुदाय के खिलाफ ये लड़ाई नहीं है, अमेरिका भी यही कह रहा है और इसराइल ने भी अपने अस्तित्व के लिए की है। इसकी इफ्तिदा आप देखिए हमास ने शुरू की है। इसराइल शांति पूर्वक रह रहा था और पूरे जितने भी देखिए आप अरब कंट्रीज हैं या जो फिलिस्तीन है उसके ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये सच्चाई है कि आतंकवाद की भी परिभाषा राजनीति ने अपने अपने हिसाब से गढ़ी है, उसमें धर्म का एंगल मजहब का एंगल आ ही जाता है ना चाहते हुए भी, और यही आज मुझे समझना भी है। मैं सबसे पहले अपने 2 रक्षा विशेषज्ञ जो है उनका रुख करूंगी, उसके बाद जो राजनीतिक विश्लेषक और बीजेपी से लीडर है उनका रुख करूंगी। तो अब मैं शैलेंद्र सिंह, कर्नल शैलेंद्र सिंह आपसे समझना चाहती हूँ कि ये सच है इस्लामोफोबिया का मामला अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से आया, भारत में भी इसको लेकर अलग अलग तरीके से अलग अलग राजनीतिक पार्टियां बात करती हैं। अगर जो बाइडेन ये कह रहे हैं, और पीएम मोदी का कुछ ही दिन पहले स्टेटमेंट भी आया था कि आतंकवाद के मुद्दे पर एक होना होगा, जो बाइडेन कुछ और लाइन लेकर चल रहे हैं, क्या वाकई
जो जो बाइडन कह रहे हैं उस तरीके से कोई ग्लोबली एक हो पाएगा? मुझे नहीं लगता कि ग्लोबली एक हो पाएगा, क्योंकि आपने बिल्कुल सही फरमाया, हर एक की परिभाषा टेररिज्म की अलग अलग है, आतंकवाद की बिल्कुल अलग है। लेकिन मुझे एक ये जानना चाहिए जरूरी कि ज्यादातर की क्या है, ज्यादातर इस्लाम को टेररिज्म से क्यों जोड़ रहे हैं? कोई तो रीजन होगा, ऐसे नहीं हो सकता। ये इलियोनोस में जो 6 साल के बच्चे के रेफरेंस की बात है, मैं भी कहूंगा कि ये बर्बरता से भी बढ़कर है। मैं क्रिटिसाइज करता हूँ, कंडेम करता हूँ, जिसने भी करी हो, 26 बार अगर अटैक कराओ या एक बार भी कराओ, गलत है और हम गलत को गलत बोल सकते हैं। लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि हमास ने जो किया है वो क्या अच्छा किया है? क्या पैलेस्टीनियंस जो कर रहे हैं सेलिब्रेशन, एक अटैक होना कोई बड़ी बात नहीं टेररिस्ट का, क्या वो अच्छी बात है? पूरा का पूरा इस्लामिक ब्लॉक पर मिलकर बात करना चाह रहा है, क्या ये अच्छी बात है? देखिए, जब हम इस्लाम की बात करें तो या तो हम सही सही भगवान और गॉड की बात करें, और या इस्लाम के विस्तार की बात करें, नॉन टॉलरेंस की बात करें, अपने ही चीज को सबसे बड़ा मानकर चले, तो क्या आपको लगता नहीं है कि दुनिया इसके खिलाफ आएगी? मुझे लगता है इस्लाम की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो अपने इस्लाम को गलत। ठीक है सर, मैं आपके पास से आती हूँ, मैं निखत अब्बास आपके पास आऊँगी। वाकई ये सच्चाई है, और बड़ी बात सर ने कही भी कि इस पे एकता हो भी नहीं सकती है, लेकिन जो जो बाइडन का स्टेटमेंट है, या भारत में भी हम देखते हैं कि जब भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं धर्म का एंगल ना चाहते हुए भी आ ही जाता है, आज आपका जो बाइडन के बाद क्या स्टेटमेंट होगा? रीमा जी, जो अमरीका में आज हुआ है वो निसंदेह भारत में भी कल हो सकता है, और मैं कारण बताती हूँ क्यों। क्योंकि हमस में जो आतंकवादी संगठन है, जो आतंकवादी संगठन है, उन्होंने पहले तो मासूम इजराइलों के ऊपर जो हमला किया है उस पर आज भारत में बैठे हुए न जाने कितने घटक दल है जो समर्थन दे रहे हैं। फर्क सिर्फ खून का है, वहां पर इजराइल में बहाया जा रहा है हमस के द्वारा, और यहां भारत में विपक्ष के द्वारा खून जलाया जा रहा है। और मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि आप देखिए, मसब हसन यूसुफ ये हमस के फाउंडर के बेटे हैं, और इन्होंने एक इंटरव्यू दिया, और आप ही के सिस्टर चैनल सीएनएन पर इन्होंने इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू में इन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि किस प्रकार हमस को ना ही फलस्तीन और ना ही इजराइल के लोगों से फर्क पड़ता है, ना ही उनकी जिंदगी से कोई लेना देना है। उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य, और उद्देश्य ये है कि किसी प्रकार सारी सिविलाइजेशन को खत्म कर उन्हें इस्लामिस्ट खिलाफा बनाना है। अब जो इस्लामिस्ट खिलाफा बनाने की बात करते हैं, वो यहां पर भारत में न जाने कितने ऐसे दल है जो उनका समर्थन कर रहे हैं, जैसे कि राहुल गांधी जिन्होंने सेक्युलर कहा था इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को, वो आ रहे हैं आज समर्थन में हमस के आतंकवादियों को, और राहुल गांधी आज भी उन्हें सेक्युलर कहते हैं, उनका समर्थन करते हैं।